महाराज जेवर सिंह वहां रो रहे, उन्हें कोई दीन बताने वाला नहीं है। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे प्राणन प्यारी कि बैठी रही हो शीशा महल में और बांदर को करी हो राज और हम तो जोगी बन चले तू जाने तेरो काम। आज महारानी बाछल कहने लगी महाराज आप चले जाओगे तो हम भला क्या करूंगी। तो आज महारानी बाछल ने जब इतने वचन कहे हैं तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे प्राणन प्यारी मैं अपना राज अपने साड़ू को देने के लिए जा रहा हूँ जो हरियाणा देश का राजा रूपचंद्र था। साथियों ध्यान देना आज घोड़ी लेकर के महाराज जेवर सिंह वहां गए हैं। तो साथियों जैसे महाराज रूप सिंह को पता चला है तो अपने वज्र फाटक लगवा लिए हैं महाराज का है कि निर्वंशी राजा तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारी पत्थर फोड़ देगा अगर तुमने मेरे राज पर अगर निगाह फेंक दी तो हमारे सोने के खम्भ दिख जाएंगे। साथियों ध्यान देना बोली की बोली दिल लगती है महाराज जेवर सिंह वापस आ जाते हैं अपनी प्राणन प्यारी बाछल से कहने लगे प्राणन प्यारी अब एक काम करो मुझे पांच आना का गेरुआ ला दो मेरे वस्त्र योगी के रख दो मैं बियाबान जंगल में भगवान की तपस्या करने जाऊंगा। साथियों ध्यान देना ये बात हकीकत है क्या बताया गया भैया संदीप अरे के दुख जाने दुखिया के दुखिया की बात बताया गया है अरे के दुख जाने दुखिया के दुखिया की बात अरे के दुख जाने माछली जो हाथ बिकाई बेटे की ममता माँ जाने को बांध लुगाई क्या जाने और जिसने चाकी छानी कभी वो दूध मलाई क्या जाने क्योंकि ये बात हकीकत है। साथियों कमान जितना झुकता है तीर उतना गहरा घाव करता है और हमारा तो खुला से पड़ता है अरे के दुख जाने दुखिया के दुखिया की बात के दुख जाने माछली जो हाथ हाथ बिकाई साथियों ध्यान देना बताया गया है महाराज जेवर सिंह ने अपनी महारानी बाछल से कहा प्राणन प्यारी आप ऐसा करो पांच अन्नों का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रख दो। साथियों ध्यान देना धीरे धीरे बताया गया है महाराज जेवर सिंह आज महारानी बाछल रोते रोते आज महाराज अपने जेवर सिंह को
आज योगी बना रही है, जब योगी बना दिया है। और महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्राण प्यारी तुम यहीं का राज करना, मैं भी अब जंगल में जा रहा हूँ। तो आज साथियों ध्यान देना, सभी लोग दुखी हैं। आज प्रजा के जितने लोग हैं सभी लोग आ गए हैं, लेकिन महाराज जेवर सिंह नहीं मान रहे हैं। महाराज जेवर सिंह सोचने लगे, मेरे मुखारविंद को देख करके अगर कोई भैयाबंद को तकलीफ हो तो ऐसा राजा ही बेकार है जिसकी प्रजा दुख में हो। साथियों ध्यान देना, बताया तो यहाँ तक गया है। महाराज जेवर सिंह आज सज बज कर खड़े हो गए, गेरुआ वस्त्र रख लिए, योगी बन गए। एक हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में कमंडल लिया है महाराज जेवर सिंह ने। और महारानी बाछल आज अपने प्राणनाथ को पनारने लगी। ये बात हकीकत है साथियों, एक कवि कहता है कि घर में चाहे कोई हिटी रिश्तेदार आ जाए, ये जरूरी नहीं होता